तो आज हम सीख रहे हैं फोर लूप के बारे में, और फोर लूप भी लूप ही है जो कि स्टेटमेंट को रिपीट करने का अगेन एंड अगेन काम करता है। तो यहाँ पर जो फोर लूप है, और इससे पहले जो हमने वाइल लूप सीखा था, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है और इनकी फंक्शनलिटी में क्या फ़र्क है। हालांकि दोनों लूप्स हैं, काम एक ही करेंगे, लेकिन इनका सेंटेक्स और इसकी फंक्शनलिटी में क्या डिफरेंस है उसको हम बाय प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। फोर लूप किस तरह से लिखा जाता है पहले इसका सेंटेक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले एफ ओ आर, तो इसके कंडीशन ब्रैकेट्स और इसके फिर बॉडी ब्लॉक्स बनाए जाएंगे इसके, यानी कि जो कंडीशन यहाँ बताई जाएगी उस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी उसको ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लूप काम करता है। अब इसके लिए हमारे पास जो इस्तला है वो ये है कि इसमें एक इनिशियल पॉइंट होगा, यानी कि ये लूप कैसे स्टार्ट होगा। तो कोई भी एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का हो उसको आप एक इनिशियल वैल्यू देके स्टार्ट ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इंटीजर एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पर एक्स इक्वल टू नहीं बल्कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जिस पर हमने एक्स पर ये वन को असाइन कर दिया है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कि यहाँ से ये लूप स्टार्ट लेगा। देन एंड कहाँ करेगा, तो हमने कहा एक्स लेस देन इक्वल टू 10, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यानी कि स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप, यहां पर स्टॉप करेगा। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचेगा कैसे, उसको हम कहते हैं आइटरेटर। आइटरेटर आइटरेटर मतलब चक्कर लगाने वाला, कितने बार चक्कर लगाएगा। तो हमने कहा एक्स प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस जो है यहाँ पे इसका काम है यूनरी ऑपरेटर, जो ऑलवेज एक्स की वैल्यू को अपडेट करता रहेगा विद वन। और ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाते हैं, जिसमें ये चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू 10 है या 10 से कम है। अब ये लूप 10 टाइम परफॉर्म होगा क्योंकि इसको 10 तक पहुंचना है, और 10 तक पहुंचने के लिए इसको ऑलवेज 1 प्लस करना है। यहां पर पहुंचेगा तो जितनी बार ये परफॉर्म करेगा उतनी बार इसमें लिखा हुआ प्रोग्रामिंग कोड परफॉर्म होगा। अब हम क्या कोड परफॉर्म कराना चाहते हैं, सबसे पहले हम इसमें परफॉर्म कराते हैं इन साइड प्रोग्रामिंग कोड इन साइड लूप। ठीक है, ये हम एक लाइन प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे एक लेसन करके एंड लाइन भी दे देते हैं ताकि ये हमें आगे एक न्यू लाइन पे दिखाता रहे। अब जैसे ही रन करेंगे प्रोग्राम को तो यहाँ पे कोई एरर है इसको देख लेते हैं। ओके, ये रन हो गया प्रोग्राम। तो देखिए इस स्टेटमेंट को इसने कितनी बार परफॉर्म कर दिया, 10 टाइम्स। अब जितनी भी स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई होंगी हर स्टेटमेंट को ब्लॉक के अंदर जो होंगी उसको ये 10 टाइम्स परफॉर्म करेगा। अब सवाल ये होता है कि अगर ये प्रोग्रामिंग कोड की जगह पे हम इसकी एक्स की वैल्यू दिखाना चाहें तो हम यहाँ पे स्पेस दे के लिख देते हैं बल्कि लेस देन एक्स, तो साथ साथ एक्स की वैल्यू भी दिखा देगा ये, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अपडेट हो रही है। साथ साथ हम इसको ये भी देखना चाह रहे हैं कि अब ये कोड ना दिखाए तो इसको रिमूव कर दें। तो अब देखें खाली एक्स की वैल्यू दिखा देगा। अब इस वैल्यू को रो में देखना चाह रहे हैं तो ये हटा दें, एक्स की वैल्यू इस तरह से रो में दिखा देगा आपको। तो इस तरह से आप 10 तक नहीं चाह रहे, 20 तक चाह रहे, 20 तक कर दें इसको तो 20 तक दिखा देगा आपको ये एक्स की वैल्यू में। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं चाह रहे, आप इवन नंबर चाह रहे 2 4 6 8 10। तो इवन नंबर में क्या होगा, एक्स को स्टार्ट कर देंगे 2 से और इसको प्लस प्लस की जगह पे प्लस इक्वल टू, ये दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, 2 लिख देंगे तो ऑलवेज एक्स की वैल्यू में 2 प्लस करता रहेगा और अपडेट करता रहेगा। 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, उतने ही प्लस करता रहेगा और ये आगे चलता रहेगा मामला। ऑड नंबर चाह रहे हैं आप 1 3 5 7, तो सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज ये करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 की बजाय स्टार्टिंग फ्रॉम 1 कर देंगे, तो ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह से इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स का मतलब ये था कि हमने लूप को चलाने की टेक्निक्स देखी और वो किस तरह से चल रहा है उसको हमने समझा। अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे, तो रिवर्स में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 10 कर देंगे इनिशियल वैल्यू को और एंड पॉइंट को 1 कर देंगे या 0 कर देंगे। तो
और ग्रेटर देन की जगह पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे लेस देन लगा देंगे, और प्लस इक्वल की जगह पे क्या लगा देंगे, अगर एक एक माइनस करना है तो यहाँ लगा देंगे माइनस माइनस, जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो ये देखें, ठीक है। और अगर दो माइनस करने हैं, तीन माइनस करने हैं, चार माइनस करने हैं, माइनस इक्वल टू जितने माइनस करने हैं वो यहाँ लिख दें, माइनस कर दें और यहाँ से रन कर दें, ठीक है। यहाँ पे आ गया इस तरीके से, रन कर दें इसको, टू सिक्स टेन। अब ये टू सिक्स टेन क्यों आ गया, अब माइनस इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू में से फोर फोर माइनस हो गए थे, तो टेन में से फोर गए, सिक्स में से फोर गए, टू बच गए, ठीक है। अगर हम वन माइनस करेंगे तो सिर्फ माइनस माइनस लिख दें, तो इस तरह से इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि एक टू का टेबल प्रिंट कराएं, किस तरीके से, मतलब इस तरह से, ठीक है, टू का टेबल प्रिंट कराएं, कहां तक, टू बाय यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का आउटपुट लें कि आपका पूरा टू का टेबल टू से लेके टू टेन तक, ट्वेंटी तक प्रिंट हो जाए, अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ साथ आप इसको ये भी परफॉर्म करा के देखें, सीक्वेंशियल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन तक, ठीक है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन तक, ठीक है, और फिर इस तरह से टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन, ठीक है, ये करके देखें, और फिर इवन नंबर वन थ्री फाइव सेवन नाइन अलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन, इस तरह से इनके आउटपुट्स लेके देखें। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको फोर का लूप चलाना आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एक और इसमें कर लीजिएगा रिवर्स वाला, जो मैं इसमें रह गया था, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ये भी कर लें। ये सारे असाइनमेंट आप इसके परफॉर्म करके देख लें तो ये आपको सही तरह समझ में आ जाएगा।